क्यों हो रही है यार? नहीं भाई पूछना चाह रहा हूं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता भाई। चलो ठीक है आप पूछिए। उसमें ये है कि एज ए कैप्टन जब इतना बड़ा प्लेयर ऐसे फेस जाता है तो आपकी क्या बात होती है, क्या उनको भी रिएश्योरेंस की जरूरत होती है, कप्तान कोच कैसे बात करते हैं या फिर छोड़ देते हैं इस टू बड़े प्लेयर को? कोई बात बिल्कुल यार, इतना इतना मैचेस खेले हुए, इतने साल से खेल रहे हैं, इतने बढ़िया बैट्समैन है, तो उनको रीअश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक एक मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला था, फॉर्म ऊपर नीचे जाता रहता है, इट्स मतलब वो पार्ट एंड पार्सल है सारे प्लेयरों का, सारे क्रिकेट प्लेयर जितने भी खेलते हैं ये उनके करियर का मतलब सबके करियर में होता है ऐसा। तो ऐसे जो प्लेयर जो इतना साल खेले हुए हैं और इतना रन बनाया है, इतने मैचेस जीता है, उनको एक या दो इनिंग की ज़रूरत रहती है, बस ये मेरा मानना है। आई एम श्योर सबका मानना भी यही होगा जो भी क्रिकेट देखते। तो चर्चा होती रहती है, हमें पता है ये बात के बारे, ये टॉपिक के बारे में चर्चा होती रहती है, बट देखिए हमें समझना चाहिए, हमें सोचना चाहिए जब हम ये सब चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने सालों से देखते आ रहे हैं इस चीज़ को कि परफॉर्मेंसेस सारे प्लेयर का ऊपर नीचे होता है। बट जो मैंने लास्ट टाइम बात किया था, क्वालिटी जो है प्लेयर के अंदर वो क्वालिटी कभी ख़राब नहीं होता है, तो आई थिंक हमको वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और यार मतलब बंदे ने इतना रन बनाया है, उनकी एवरेज आप देखिए इतने हंड्रेड्स बनाए हैं, तो एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, बट वो मैचेस तो सबके ख़राब होते हैं, ऐसा कोई प्लेयर आज तक आया नहीं है जिन्होंने जितना भी मैच उन्होंने खेला है, जब जब खेला और अच्छा ही किया हो, तो स्लम थोड़ा सा आता ही है, सबके लाइफ में आता है, वो पर्सनल लाइफ में भी आता है। हाँ